पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री गोमाता सेवा ट्रस्ट भारत के द्वारा एक बैठक का आयोजन सुषमा स्वराज के निवास प्रेम नगर लाइन पार मुरादाबाद में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलोनी जैन व संचालन सचिव सचिन सक्सेना ने किया और बताया कि गोमाता की सेवा को समर्पित गो सेवक सम्मान सभी सदस्यों व पदाधिकारियों के घरों व दुकानों पर पहुंचकर सम्मानित किया जाएगा और ट्रस्ट से अधिक से गो सेवकों को जोड़ा जाएगा, जिससे गोमाता की सेवा व रक्षा का कार्य अधिक कराया जाएगा, जो गो सेवकों को पद दायित्व दिए जाएंगे। इसी बेला में आज सुषमा शरण को महासचिव महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यभार सौंपा गया व आई कार्ड और फ्लेक्सी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सलोनी जैन, सचिव सचिन सक्सेना, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, सुषमा शरण, आवरण अग्रवाल, परिणव शर्मा, विजेंद्र सिंह यादव, गोपाल कृष्ण अरोड़ा, मधु अग्रवाल, मधुबाला अग्रवाल, सोमपाल सिंह, उपकार अग्रवाल, सोनिया ठाकुर, किशोर कश्यप, डॉक्टर जगदीश शरण आदि गो सेवक उपस्थित रहे। प्रदेश महासचिव, मैं गो सेवा ट्रस्ट से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ लगभग, और ये हमारा गो सेवा ट्रस्ट असहाय गायों की और मृत गायों के अंतिम संस्कार करता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे ये। मैं इसमें तन मन से जुड़ी रहना चाहती हूँ और जुड़ी हुई हूँ और मैं आगे भी जुड़ी रहूंगी। मुझे फिर प्रदेश महासचिव का दायित्व सौंपा गया है और मैं इस दायित्व को बड़ी पूरी निष्ठा से आगे निभाऊंगी और अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे और समाज को? और मैं समाज को कहना चाहूंगी कि वो गौ सेवा पे खूब वर्क करे, क्योंकि आजकल हमारे गौ माताएं इधर उधर घूमती रहती है, पन्नियां खाती रहती है और असमय ही मृत हो जाती है, तो उनको इस चीज से रोका जाए ताकि हमारा गोधन बचा रहे और आगे हमारे समाज को इस गोधन में परेशानी ना आए और पूरी इनकी सेवा होनी चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो इधर उधर गाय घूमती रहती है उनका भी विशेष रूप से मतलब पकड़ने में सहयोग देना चाहिए। हमारी जो प्रदेश महासचिव हैं सुषमा सरन जी, आज उनके निवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया था। ये बैठक, जैसे कि अभी हमारा एक अभियान चल रहा है सदस्यता अभियान, उसके तहत हमने लोगों के घर जाकर मेरा घर गाय का घर के तहत एक अभियान हमने शुरू किया है। उसी अभियान के अनुसार आज इनके घर पे बैठक था जिसमें हमने इन्हें पुनः महासचिव के पद पर नियुक्त किया है और एक आई कार्ड, एक फ्लेक्सी और एक स्टीकर देकर सम्मानित किया है और आगे भी ऐसी ही जैसे पिछले गत वर्षों के बाद इस आगे भी और इसी तरह से गौ सेवा के कार्यों में अपना सहयोग देती रहें, गौ माता की सेवा करती रहें। ये एक बड़ा अच्छा विषय है कि हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, महिलाएं इस और सेवा कर रही हैं, इससे महिलाओं में बड़ा अच्छा संदेश जाता है क्योंकि अधिकतर महिलाओं का हमारे सामने ये सवाल रहता है कि हम महिलाएँ हैं, हम गाय की सेवा कैसे कर पाएंगे। तो सुषमा शरण जी जैसी महिलाओं से हमारे समाज को ये संदेश जाता है कि नारी जो है वो कमजोर नहीं है, नारी सब कुछ कर सकती है। आप केवल एक हिम्मत रखिए, उस हिम्मत के आधार पर आप कार्य करना शुरू कीजिए। नारी सब कुछ कर सकती है, गौ सेवा भी कर सकती है और समाज सेवा भी कर सकती है। इसमें पिछले वर्षों में बड़ा अच्छा कार्य रहा, कहीं भी कोई समस्या होती थी, कहीं भी गाय पे कोई दिक्कत होती थी तो सबसे पहले सुषमा शरण जी वहाँ पहुँचती थी और सूचना हमारे कार्यालय पर पहुँचती थी। जो हम कार्यालय से सहयोग कर पाते थे वो कार्यालय से सहयोग होता था और हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले महिलाओं में से हैं। आगे ऐसी महिलाएँ और महिलाओं के लिए प्रेरणा बने ऐसी मैं आशा करता हूँ और आगे इसी तरीके से गौ सेवा के कार्यों में समर्पित हैं।